सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, जमी को क्या पता आसमान क्या होता है, जो जिंदगी भर भगवान के नाम पर भीख मांग कर खाए उसे क्या पता भारत की संविधान क्या होता है। जय श्री राम, जय हनुमान, जो बोंगना है वो बोंगी, क्योंकि बोंगने की आजादी हमको हमारे संविधान ने दिया, इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि जय संविधान भी बोंगी। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में जो चैप्टर नंबर 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में आर्टिकल नंबर 19 के को में ये मेंशन किया गया है वाक की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसमें नो डाउट किसी प्रकार की आपकी वाक की स्वतंत्रता पर आपत्ति कोई देख सकता, ये आपका मौलिक अधिकार है। सबसे पहले इस वीडियो को ना ध्यान पूर्वक से देखिए। मैं गीता पर हाथ रख के कसम नहीं खाऊंगा योर ऑनर। क्यों, क्या आप हिंदू नहीं है? मैं हिंदू हूँ योर ऑनर, मगर हिंदू होने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूं, यही मेरी पहली और सच्ची पहचान है, इसलिए मैं भारत संविधान, भारत के झंडे और भारत की मिट्टी की कसम खाकर कहता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, सो हेल्प मी गॉड। दोस्तों, संविधान क्यों जरूरी है? मैं आपसे कहूं कि एक तरफ हम भारतीय संविधान को रखूं, एक तरफ मैं गीता को रखूं, तो आप किसे चुनेंगे? खैर छोड़िए इस बात को, सबसे पहले इस वीडियो को पूरी तरह से वॉच कीजिए, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा क्या आपको अच्छा लगता है। दोस्तों, पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब कौन है? जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अनपढ़ है। आधा रोटी खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा ना उतना ही दहाड़ेगा। मुझे वो धर्म पसंद है जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता सिखाता है। जिस दिन मंदिर में जाने वाले लोगों की कतार अगर पुस्तकालय की अगर बढ़ गई ना, उस दिन हमारे देश को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारा समाज की समस्या नहीं है, लेकिन अगर पढ़े लिखे लोग गलत का समर्थन करता है, ये समाज की सबसे बड़ी समस्या है। धर्म मनुष्य को बनाता है, न कि धर्म मनुष्य को बनाता है। ध्यान पूर्वक से इस लाइन को सुनिएगा, धर्म मनुष्य को बनाता है न कि मनुष्य धर्म को बनाता है। आज हमारे देश के कुछ ऐसे लोग, अनपढ़ लोग हैं जो हमारे देश के संविधान को बदलना चाहता है, वो संविधान में परिवर्तन करना चाहता है, जो पूरी तरह से भारतीय संविधान को पढ़ा नहीं होगा। जिस इंसान ने अपने संविधान को लिखा है, जिसके बदौलत आज हम कानून अधिकार, अपने जीने का अधिकार को सीखा, उसको बारे में मैं क्या कहूं? जिसके पास 32 डिग्री 9 भाषा का ज्ञान, जिसके पास 64 सब्जेक्ट का मास्टर, जो 8 साल की पढ़ाई 2 वर्ष 3 महीना में कर दिया, उसके बारे में मैं क्या कहूं? दोस्तों, पता है जब हमारे देश को आजादी मिलने की बात आई कि 15 अगस्त 1947 में भारत देश आजाद होगा, तो इतने बड़े देश को चलाने की कोई तो संविधान बनेगा, संविधान को लिखने की बात आई, तो पता है भारत की जितने भी लोग थे 1947 में जो कैबिनेट संगठन के बैठक हुई, तो टेंशन में आ गया कि भारत की संविधान को कैसे लिखा जाए। उन्होंने ब्रिटेन फोन किया और पूछा, कोई ऐसा योग व्यक्ति है जो भारत देश की संविधान को लिख सके? तो बोला नहीं है। फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी फोन किया कि आपके पास कोई ऐसा योग व्यक्ति है जो भारतीय संविधान को लिख सके? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने क्या कहा, सूरज तो आपके देश में है, यानी कहने का अर्थ है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आपके देश में है, जो कि आपके देश के संविधान को लिख सकता। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन की कड़ी मेहनत, भूखे प्यासे लोग 164 दिन बहस करके, 65 लाख की बजट को खर्चा करके भारत की संविधान को लिखा, तब जाके संविधान तैयार हुआ। फिर भी एक बड़ी बात, संविधान बनकर तैयार हो गया, अब क्या कंडीशन हुआ कि अंग्रेजों ने भारतीय संविधान को जंगा दिया और राख कर दिया। संविधान बना, संविधान बन के तैयार हुआ और नष्ट भी हो गया। अब क्या होगा भारत देश की शासन और कानून की व्यवस्था को? भैया डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर ना मुजवानी भारत के संविधान को फिर दोबारा लिख दिया, वो इंसान थे। आ इनके बारे में कोई गलत कहे और जय संविधान ना बोंगे, तो भैया ये सबसे बड़ी समस्या है। अनपढ़ लोग ही कह सकते कि जय संविधान मैं नहीं बोंगूंगा, मैं देश के संविधान को नहीं मानूंगा। धर्म जो है ना, धर्म यानी कहने की गीता, वो अपने जगह पर है। धर्म पूजा पाठ एक आस्था है, एक विश्वास, एक बिलीफ सिस्टम है, आपके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग को प्रूव करता, तो वो मानिए। लेकिन भैया जब देश की कानून की व्यवस्था आ जाए, अधिकार की व्यवस्था आ जाए, तो जय संविधान। क्योंकि भैया सनातन धर्म, हिंदू धर्म से पहले हम लोग हिंदुस्तानी है, उसके बाद ही कोई धर्म है। तो आप जय श्री राम भी बोलिए, जय संविधान भी बोलिए, जय हनुमान भी बोलिए, सब अपने अपने जगह पर बोलिए।
जय श्री राम, जय हनुमान, जय संविधान, जय हिंद।